भैया एक विशेष बात आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम बड़े भैया तूफानी जी और मेरा कार्यक्रम रविवार के दिन करवाया है ना, करवाया था, तो एक गीत बजा क्या बजा, एक गीत बजा क्या नहीं भूले तो हम भूल गए हाथ मार मगर भूल गए भूल गए आपका बेटा हूँ, जैसे आपके लिए अमित भैया है शायद उनसे बढ़कर आपके लिए मैं होना चाहिए, क्योंकि आप पर भी मेरा अधिकार है नहीं दादा, बिल्कुल है। तो अगर बाकी लगे आपका बेटा ठीक जा रहा है, आशीर्वाद चाहिए आपका, बाकी कुछ नहीं। सुनिएगा दादा, कहानी शुरू हो रही है सतयुग से। शैलेंद्र भैया प्लीज बात सुनना, बड़ी अच्छी बात। क्या बात के बिक गए, और बड़े भैया अमित भैया दिन मैं गा रहा हूँ रविवार का, बाकी छह दिन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कोई भी दिन गा दीजिए रविवार छोड़ कर, है ना, तभी जवाब दादा सही बात। सुनिए कि बिक गए तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद रोहित और तारा, मुद्दिन कौन सा के बिक गए तीन प्राणी, सुनो रविवार चढ़ा
गणपति का पूर्णा दाने अरे गणपति का पूर्णा दाने सुनो रविवार करो बड़ी प्राणी सुनो रविवार का श्री राकेश कुमार चंदन जी ना कि चंदन दीवाना समझ में अरे चंदन ने लिखी कहानी सुनो रविवार
वो दिन छुट्टी का दिन था, फुर्सत में थे सभी नहीं, सभी लोग फुर्सत में थे। जब ये गीत लिखा और जितने राजा महाराजा थे वो भी गए थे छुट्टी के दिन, और स्वयं पर भी छुट्टी के दिन हुआ तो सब लोग दावत में जाएंगे। अच्छा, ये बात किसी का एक छोटी सी कटकी से। भैया शैलेंद्र भैया, केवल मेरी धुन नोट करना, गीत नोट करना या नहीं, लेकिन धुन नोट करना। एक गीत बजा। क्या बजा? और बड़े भैया दादा वाकिफ होंगे, दादाजी मध्य प्रदेश में गीत बजा एमपी में, और गीत क्या है? क्या है? चलिए आपकी मर्जी, दूसरा गा दे रहे हैं। कि जो स्वर्ग नदी धरती को ये भगवान बसे भावों में, अरे भगवान बसे भावों में, पत्थर जिसने पिघलाए, के भक्तों की तीर जो देखी स्थल पर प्रभु चरण प्रहार किए थे, के हृदय की तीर न देखी, पावन पग धाम लिए थे, के मुनि पद में पीड़ा पाई, अरे मुनि पद में पीड़ा पाई, वो कमल नयन भर लाए, तो भगवान बसे भाई।
ज्यादा कोई ज्यादा सवाल नहीं है, केवल तीन पगधरा की बात है मेरे सवाल में, बाकी कुछ नहीं है। शैलेंद्र यादव जी 21 रुपए की पावन दास, देवी शरण यादव 21 रुपए का पावन आशीर्वाद, शिवराज वर्मा जी की ओर से 21 रुपए का पावन आशीर्वाद, नैमीलाल नैमीलाल जी की ओर से 21 रुपए का पावन आशीर्वाद, दिनेश यादव जी की ओर से 21 रुपए का पावन आशीर्वाद। आपके आशीर्वाद का यूं ही आभारी रहूंगा और ये वादा करता हूं आज नहीं तो कल आपका नाम रोशन करूंगा। क्या बात है, करो क्या बात है, आज मन कर रहा है आपसे आशीर्वाद ले लूं, राजपुर लिया क्योंकि मेरा 38 कह रहा है। क्या कह रहा है कि श्री राम अटेंशन, कि हनुमान अटेंशन रहे, टेंशन मोल नहीं लेना लेना, और करके बॉर्डर क्रॉस सियापुरी अब बताओ काफिया कहां गड़बड़ है। अब से नहीं 10 साल से इस चीज को गा रहा हूं, आज की नई कटिस लिखी गई होती तो खैर हो सकता है हो जाता है थोड़ा बहुत गड़बड़, और सबको मैं समझा समझा के गा रहा हूं कि श्री राम अटेंशन रहे, कि हनुमान अटेंशन रहे, टेंशन मोल नहीं लेना, और करके बॉर्डर क्रॉस सिया को, और मैं सारा भी कर रहा हूं रिंगी दे दे। अब आप कह रहे काफिया, अरे बाप मेरे बॉस, आशीर्वाद लेने का मन कर रहा है मेरा आज तो तुमसे। चलिए आप महान हैं, अब बड़े भैया देखिए ये कोई बीड़ी का बंडल नहीं है, बरेली से राजवीर यादव का मंडल है, क्या बात है, जो धुएं में उड़ा दोगे है ना, खैर कोई बात नहीं बड़े भैया। और फिर एक बात बताओ दादा, आप गीत गा रहे हैं साथिया नहीं जाना ये जीना नहीं, भैया भैया एक मिनट एक मिनट, आपके पास मोबाइल 4G है, अभी ये गाना यूट्यूब पे सर्च मारिए मल्लावा हृदय में रिंकी तिवारी, और शंभू हलचल जी का कार्यक्रम था जिसमें कि ये शंभू हलचल जी ने गीत गाया है। दादा गलत तो नहीं कहा मैंने, आप बैठे हैं, मैंने अभी तो ये तो नहीं कहा आप नहीं बैठे, आप बैठे हैं लेकिन शंभू हलचल जी ने गीत गाया है ना, 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 खैर अभी गीत चैनल पे पड़ चुका है, दोबारा फिर पड़ेगा आपकी मर्जी है। एक गीत आपका कटपीस आया है कौन सा, कि नट खट वंशी वाले लिखे आया, और मेरी अखियां तरस गई अब आजा 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 आधी जा, तो यमुना के तट पर जब निन्न खटा हर बंसी वाले की, कि बंसी वाले बाजेगी
पहले जवाब दे दे जमा के बजाओ बेटे। अरे भैया ने कहा क्या स्वयं भू पर है स्वयं भू पर है और स्वयं भू पर भैया गंगा शिव जी की जटासी रखी स्वयं भू पर है और भगवान शिव को कह दिया स्वयं भू पर है। अच्छी बात बहुत अच्छा सवाल लेकिन सुनिएगा अपना जवाब के क्रोधा अग्नि क्रोधा अग्नि में चली भवानी काली निराली मैया काली ने एक बार जब भगवान गणेश का सर काट दिया गया तब माना गौरा ने मैया काली का रूप धारण कर लिया कैसे और काला मानव सबको काटती जा रही थी तो होता क्या है क्या होता है एक बार काली मैया के क्रोधाग्नि में चली भवानी काली विपराली है तो काली बनी काली काली बनी भयंकर और लट 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 काली है तो बड़े भैया माता काली का पैर जब भगवान शिव के सीने पर पड़ा तो सुनिए तो ऊपर काली है पति परमेश्वर आपने कहा गंगा शिव से निकली स्वयं भूगी तो यहां भगवान शिव के ऊपर काली है तो ऊपर हमसे कह रहे सुधार करो बड़े भैया हटे तुमसे गुजर क्यों नहीं जाते क्या बात है हटे तुमसे गुजर क्यों नहीं जाते और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। अरे मंधार में मझधार में है कश्ती तूफान तो आते जाते रहेंगे अगर तुम्हें डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते जाते एक गीत आपने और गाया कौन सा गाया अरे मौसम है सुहाना
रावण कह रहा है जा, जा। अरे मेरा नाम है ऐसा जग जीना लगे मर्जी है स्वर्ग तक जीना लगे जीना लगे आपका गीत भी कह रहा है जीना लगे तो मैं भी कहूंगा जीना लगे एक बार माता सीता का हरण करने के लिए जब दशानंद पहुंचा पंचवटी में अच्छा तब माता सीता ने देखा दशानंद को तो कहने क्या लगे क्या कहने लगे कहने लगे कैसे कि रंगबाजों में भी ऐसी बाबा जी हो मगर ऐसी ये बाजी ना मिले अब सुनिएगा पूरी पूरी व्याख्या कैसे बात है अब बात है साधु बात है लगे लगे बात मगर फिर भी उसमें कैसा सब बात है हुआ जो बात है हमको बताया उसको किसका धन्यवाद है जरूर सुनिए भैया बड़े भैया शैलेंद्र भाई ध्यान से सुनना कलयुग में बहुत अच्छी बात लगी है राम रहीम की आसाराम बाबा आसाराम आसाराम
शैलेंद्र भैया बस नहीं का बड़ी अच्छी बात जान बाजी ना मिले बाबा हो मगर ये बाजी ना मिले जयकारा।